हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्मी फूड वर्ल्ड। आज हम रबड़ी स्टाइल खीर बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम खीर बनाते हैं। उसके लिए मैंने धुले हुए एक कटोरी चावल लिए, 5 इलायची और थोड़े से नारियल के टुकड़े लिए। पर सबसे पहले हम नारियल के टुकड़े और इलायची एक साथ में पीस लेते हैं। रिस्क दे दे करके पीसेगा, नहीं तो नारियल का तेल भी निकल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, नारियल के साथ इलायची पीसने से इलायची का छिलका तक खिंच जाता है, कुछ भी अलग नहीं करना पड़ता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके चावल पीसते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल भी पीस चुके हैं। इसको आप काफी बारीक, किनकी से भी बारीक कर लीजिएगा, जैसा मैंने किया है। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, मलाई से निकले हुए लेफ्ट ओवर को भी हम इसी मिक्सी में पीस लेंगे जिसमें मैंने चावल पीसा था। ये देखिए, इसी में जिसमें चावल पीसा है उसी में मैं भी इसको भी डाल करके पीस लूंगी। लेफ्ट ओवर बनाने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, मेरा लेफ्ट ओवर भी अच्छे से पिस गया है। इसको भी आप हमेशा जब पीसेगा तो मिक्सी के जार को मिक्सी थोड़ा एक एक सेकंड के लिए चला करके बंद करते जाइएगा, नहीं तो इसमें से घी निकलने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुकर में अपना लेफ्ट ओवर डालेंगे। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप लेफ्ट ओवर से खीर बनाए तो उसको सबसे पहले चेक कर देख लीजिए कि आपका मलाई से निकला हुआ लेफ्ट ओवर का टेस्ट सही है कि नहीं। अगर टेस्ट सही होगा तभी बनाइएगा, वरना आपकी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसी के साथ में मैंने अपना ये चावल भी डाल दिया। इस खीर में घी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लेफ्ट ओवर में ही इतना घी रहता है, उतना ही पर्याप्त है। अब हम इसको कुछ देर भूनेंगे। चलाते हुए भूनते रहेंगे कि कुकर में लगने ना पाए, मीडियम फ्लेम पे करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चावल और लेफ्ट ओवर अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चलाते जाएंगे। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, बस अब हम अपनी गैस को ऑफ करते हैं। अब हम प्रेशर निकलने का इंतजार करते हैं। अब हमारा प्रेशर निकल चुका है। अब हम अच्छे से इसको चला लेंगे। अब आप देखेंगे इसमें जो थोड़े थोड़े से चावल पीसने के कारण गट्ठे आ गए हैं, उसको ऐसे चम्मच से हम मैश कर देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से मैश कर देंगे तो ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से जो गड्ढे दिख रहे हैं, इसको आप ऐसे चम्मच से दबाते हुए इसी में गरम गरम ही मेल्ट कर दीजिएगा। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि मैंने चावल को पीस दिया है और पूरी तरीके से सारे गड्ढों को ऐसे ही मसल मसल करके मिक्स कर दीजिएगा, तो आपकी खीर पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मेरे गट्ठे थे वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब हम इसमें 1/2 लीटर दूध डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें
आधा कटोरा चीनी डालेंगे और मिला लेंगे। नारियल और इलायची पाउडर, इलायची का बूरा डालेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे और बॉयल आने तक पकाएंगे। अपनी गैस की फ्लेम को हाई पर कर लेंगे और चलाते रहेंगे। हमारी खीर बॉयल्ड होने लगी है अच्छे से। इसको दो तीन उबाल और आने देंगे, तब हम बंद करेंगे। दूध का एक विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि दूध वो वाला लीजिएगा जिसकी मलाई ना निकली हो, तभी आपका आधा लीटर दूध लगेगा। अगर आपकी मलाई निकली हुई दूध है तो फिर आपका दूध एक पाव और लग जाएगा, इसका मतलब कि तीन पाव दूध डालना पड़ेगा। लेकिन अगर फुल क्रीम दूध है तो आधा लीटर दूध ही काफी है इस खीर के लिए। बस इसको एक आध उबाल देखिए और हम लगा दे रहे हैं, फिर हम बंद कर दे रहे हैं। दो मिनट बाद ये अपने आप और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर अच्छे से बॉइल हो रही है। अब हम अपनी गैस को बंद करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर 10 मिनट रखने पर देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको पलट, रबड़ी वाली खीर में ड्राई फ्रूट्स की कोई नीड नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डाल दे रहे हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने मेरी रबड़ी जैसी खीर कितनी जल्दी तैयार हुई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। और एक बार अपने घर में बना करके खाइए, खिलाइए, फिर अपने कमेंट्स हमसे बताइए। थैंक यू।